नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जया एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। कई वर्षों पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मानिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे की प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे, पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए। उसी क्षण वो दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था और न पीने को। वे ठंड में कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पाप कर्मों का भुगतान भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वे सारी रात जागते रहे, भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी न खाने और न ही पीने को थी। रात्रि भर जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना शरीर धारण कर लिया। एक दिन एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोले, हे राजन, यह तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया जिससे हमें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, हरि की भक्तिमय सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्य के इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास दिव्य आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अग्नि स्थून यज्ञ का फल प्राप्त होता है।